चेक 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 ओके नाम आवाज है। इसके पहले कौन सी क्लास हुई आज? और अच्छा अभी हुई क्या ऑडिट थोड़ी देर पहले, और फिर बाद में पहले टैक्स हुई फिर ऑडिट हुआ। हाँ 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 अकाउंट्स ओके। तो आज तब का छुट्टी का दिन है, मतलब आज मेरी क्लास लास्ट क्लास है आपकी। ओके यू मस्ट बी हैप्पी अबाउट इट राइट, आई कैन सी। ओके गाइस थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वेलकम बैक ऑन। मेरे को यूट्यूब भी चालू करवा दे यार। दोस्तों बताओ वो क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बताओ क्या है? दोस्तों आपको जवाब देना है। मैंने अब तक जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेते हैं, लेट्स रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन विल मूव प्रोसीड विल प्रोसीड फर्दर। ओके तो एक बार बताएंगे, हमने अब तक तीन कॉन्सेप्ट देखे हैं इस सिलेबस में राइट। हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया एनसॉफ, कल पढ़ाया एक्सपीरियंस और कोर कॉम्पिटेंसी राइट। आज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है SBU स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ओके चलो पहले देखते हैं आपको कितना याद रहता है। बताएंगे बच्चों कल हमने एक्सपीरियंस कर किया था ना? बोलो उसमें हमने क्या किया था? जिस भी कंपनी का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उसकी कॉस्ट उतनी कम या ज्यादा। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू लेस कॉस्ट पर? एवरीबॉडी गॉट इट? दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी कॉस्ट पर यूनिट? आखिर क्यों, क्या वजह होती होगी? क्योंकि व्हेन यू वर्क मोर व्हेन यू हैविंग बेटर एक्सपीरियंस आपके कुछ कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे कि आपका वेस्टेज हो जाता है कम। और बताएंगे आपकी एडवर्टीजमेंट हो जाती कम बिकॉज लोग जानने लग जाते हैं आपको। आप करते हो बल्क बाय और क्या करते हो आप? आपका जो वो है आप सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो सस्ते वाले और कुछ आप बहुत सारी चीजें करते हो ऑटोमैटिक। ये कुछ वजह है जिसके से आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती। कल हमने इसका एग्जांपल देखा था हीरो होंडा। आप जानते हैं इनका एग्जांपल से हमने प्रूव करने की कोशिश की कि दुनिया में बाइक इंडस्ट्री में इतना ज्यादा डिमांड होने के बावजूद भी आखिर क्यों इसमें कुछ ही लोग काम करते हैं? बिकॉज दे आर क्रिएटिंग बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। ये लोग इतना सस्ता बेचते हैं और कोई इतना सस्ता बेच नहीं पाता है, और जिसकी वजह से एक्सपीरियंस कर्व मार्केट में किसको घुसने नहीं देता। जिसके पास एक्सपीरियंस कर्व होगा कॉस्ट कम होगी उसकी कंपटीशन उतनी ही कम होगी। अरे बोलो आज इन बाइक इंडस्ट्री में अगर मैं पेट्रोल बाइक्स की बात करता हूं तो ज्यादा लोग है या नहीं है? ज्यादा नहीं है, कुछ लोग है। आप देखो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में तो कितने लोग होना चाहिए ना? There only few. So, because it is creating barrier for new entrants. Just a minute. Yes, madam. मैं लेक्चर में हूँ। अर्जेंट है? ओके। दोस्तों आपके साथ में है एनसॉफ। क्या आप सभी जानते हैं एनसॉफ? क्या तुम्हें याद है? भूल गए? सच बोलो। देखो याद करो, इसको बोलते हैं देखो याद करो। जीवन में पता है अगर जीवन में हर कोई इंसान ये फॉलो करेगा जो मैं कह रहा हूं पढ़ते समय, तो आपका विजय सुनिश्चित है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन री रीडिंग एंड रिविजन। क्या आप में से कोई मजा था बताएगा रिविजन और री रीडिंग में फर्क क्या होता है? आर दे सेम और डिफरेंट? वही किताब को आप 10 बार पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो रिविजन कर रहे हो? यू शुड बिलीव ऑन रिविजन नॉट ऑन री रीडिंग। एक बार आपने पढ़ा बाद में किताब नहीं खोलना, बाद में अपने मन को अपने ब्रेन को बोलो चुनौती दे दो याद कर बेटा याद कर तूने क्या पढ़ा था। हो सकता है आपका ब्रेन 50% याद कर रहा हो, यू डोंट रिमेंबर रिमेनिंग 50, नॉट एन इश्यू एट ऑल। अब जो 50% आपको याद नहीं आप किताब खोलो आप देखो। इतना एक्साइटेड क्यों होते हो आंसर देखने के लिए? हैव पेशेंस बेबी,
रिकॉल, एनसॉफ बोला है ना, अब अपने मन से रिकॉल करो एनसॉफ का मतलब क्या था। हो सकता है आपको याद आ जाए तो बेस्ट है, यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट। हो सकता है आपको कुछ ना याद है, किताब तो है ना, पर सबसे पहले आपको बताओ, आप एग्जामिनेशन में जब बैठोगे क्या आपके पास किताब होगी? क्या ऐसी एक एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन है? नहीं ना। तो आपको बगैर किताब को याद करना है, बगैर किताबों का याद करना है ना। तो एग्जामिनेशन में विदाउट बुक्स आपको याद करना है। तो इसलिए क्लास में भी अगर आपने आपके ब्रेन को वैसा ट्रेन किया बगैर किताब की याद कर, तो आपको एग्जामिनेशन में भी याद आ जाएगा। अगर आपने हमेशा अपने ब्रेन को ऐसा वो किया, ट्रेन किया, बुक के साथ में याद करेंगे, बुक को देख के याद करेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा यार ये तो मैंने कोई पढ़ा था, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। आपको लगता है मैंने 10 बार रिवाइज किया, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो री रीडिंग करके। आपको सी बोलो आई एम रिस्टडिंग फॉर 10 आवर्स, आपको पता भी 10 घंटे में कितनी पढ़ाई होती, बहुत पढ़ाई हो सकती है, पर आप फिर भी क्यों फील हो जाएंगे? क्योंकि आपने किया री रीड। एनसॉफ पता ना आपको, चाहे एनसॉफ हो चाहे सीएंट का कोई भी कोर्स, कोई भी हने दो, आपको उसको क्या करना है, पहले उसको क्वेश्चन को देखना है और उसको अपने हिसाब से रिकॉल करना है। आप बताएंगे दोस्तों एनसॉफ के बारे में बताओ, रिकॉल करो आपको क्या याद आया था इसके बारे में, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते हैं इसमें हा? ये लिखते हैं एग्जिस्टिंग, ओके, और इसको लिख दो मैं न्यू, इसको लिख दो एग्जिस्टिंग, इसको भी लिख दो न्यू। अब 4 बॉक्सेस भर के बताओ मुझे, ये मार्केट डेवलपमेंट है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और ये नॉलेज है आपका। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज करके आपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया तो क्या किया आपने, एचयूएल के साथ, एचयूएल के लक्स के साथ में लाइफबॉय को लॉन्च किया आपने, पियर और डव को लॉन्च किया, वाह वाह, क्या मार्केट डेवलपमेंट कहां से अचानक से आ गया आपके पास में? आई वाज सिंग लक्स के साथ में अपने पियर्स को लाया या डव को लाया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमाल करते हो आप भी। मैं एक बात पूछूंगा आप जवाब देंगे, आपने कभी कैडबरी सेलिब्रेशन देखा है? ऐसा पैकेट आता है उसमें 8-10 कैडबरीज भर के आती है, ऐसा गिफ्ट पैक आता है, त्योहारों में बिकता है, उसमें वो इच कैडबरी होती है जो अपनी बिकती है, पर उसके ऐसे सजावट अलग होती है उसकी, ताकि आप उसको गिफ्ट जैसे यूज कर सको। ऐसा कैडबरी देंगे तो इट डजंट लुक गुड, ले ले कैडबरी खा ले, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आप उसको एक गिफ्ट पैक में डाल के उसको किसी को तोहफा के स्वरूप में दे सकते हो उसको, आप बताइए क्या है, सोच के जवाब देना। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केट पेनिट्रेशन। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज करके आपने उन लोगों को भी अट्रैक्ट किया जो आपके नहीं थे। पहले गिफ्ट के लिए वो सिल्क कैडबरी, ऐसे तो ले खालिस ठूस ले, ऐसे तो ना। सी आप किसी को गिफ्ट करते हो उसको फील होना चाहिए कि मुझे गिफ्ट दिया जा रहा है, तो आप ऐसा अलग अलग थोड़े ना हो। सेम प्रोडक्ट सेम कैडबरी उसके अंदर, सेम 5 स्टार उसके अंदर भी है, सिर्फ थोड़ा चेंज करके आप जब ज्यादा, लेस का फ्लेवर चेंज हुआ, अरे बोलो यार, मारुति का नया गाड़ी आया, प्रोडक्ट है मार्केट, वॉलमार्ट इंडिया में बिजनेस कर रहा है, हल्दीराम तालिबान में जा रहा है, एसपीसी युगांडा में जा रहा है, यही पढ़ाएंगे बस, हमें और कुछ आता भी नहीं है, हम सीए के अलावा किसी और के कुछ भी लायक नहीं है। भगवान ने हमें प्रोसेसर में एक ही चीज फेड करा है, सीए, और कुछ आता ही नहीं, बेरोजगार है। एक बात पूछे आपसे, बताओ प्रोडक्ट भी नया मार्केट भी नया, एग्जाम्पल दे दो, व्हाट अंडा, क्या जवाब दे रहे हो आप? गोदरेज ने अगर लॉक के साथ में एग्स लॉन्च किया तो सुट्टा आटा है चिंट, कैसे कैसे याद कर लेते हो आप। आईटीसी ने पहले सिगरेट बेची और सिगरेट के साथ में वो आटा बेच रहा या डार्क फैंटेसी बेच रहा, यानी कुछ तो भी नया प्रोडक्ट तो है ही, पर मार्केट भी तो नया ही है, क्योंकि सुट्टा का मार्केट अलग, आटा का मार्केट, आटा खाते अंटे सुट्टा पीते अंकल, नॉट ओनली दैट बट अंटे भी सुट्टा पीते, बट आटा के ग्राहक ही अलग है। फिर आप बोलेंगे एसपीसी ने
ईआईएस के साथ में लॉ को लॉन्च किया। क्यों? ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं है? सेम मार्केट है और प्रोडक्ट एक। आपको बोलोगे अगर आपने इसका जवाब दिया मतलब यू आर ऑसम, यू आर, आप बहुत आगे जाएंगे अगर जवाब देंगे तो। आपने वो किया, आपने 500 ml से 2 लीटर कर दिया। 500 ml की बॉटल थी, अब 2 लीटर की बॉटल आती। सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, थोड़ा चेंज। टेस्ला ने ट्विटर को लिया। एंड द आंसर इज डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज टेस्ला कार बेचता है, ट्विटर एक सोशल मीडिया है, प्रोडक्ट पूरा नया है। अबे हर कोई टेस्ला चलाने वाले ही सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कोई भी यूज करता है, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, इसलिए हो गया डाइवर्स। एनीवेज गाइस आगे बढ़ेंगे। मैंने ये चेक करना था आपको दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे क्या। अभी तीसरा वाला सीसी कोर कॉम्पिटेंसी, ये यूनिक है या कॉमन है? और इजी टू कॉपी डिफिकल्ट टू कॉपी? डिफिकल्ट टू कॉपी। और जिसके से यू आर एबल टू चार्ज मोर और लेस? और ये कॉमन है या अनकॉमन है? कैन आई इट्स रेयर? एग्जाम्पल क्या क्या बोल रहे हैं आप? एप्पल, वॉलमार्ट का क्या, एप्पल का क्या, एप्पल में अलग क्या भाई साहब? टेक्नोलॉजी इनोवेशन, वॉलमार्ट के नंबर ऑफ। और दोस्तों ऐसी अलग अलग चीजों को जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग केबीसी का एग्जांपल लिए थे, हमने एमएस धोनी का एग्जांपल लिए थे, अरिजीत सिंह का एग्जांपल लिए थे, और बुर्ज खलीफा, ये सब है। चलो आज नई दास्ता शुरू करते हैं। नाम तो सुना होगा SBU, ओके। अब एकदम भारी पड़ते हैं, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ओके। आपको पता है कुछ कुछ लोग अपने जीवन में इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि जिस धंधे में मैं हूं अब उस धंधे में नहीं कुछ नया करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं। बेटा आपको समझ आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? आप जिस तरह से खामोश बैठते हैं ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया। आप बोलोगे तो मैं एकदम स्लो ऐसे एकदम लो वॉल्यूम में पढ़ा सकता हूं, पर आप ऑल ओके? आप बोलो तो मैं ऐसे कभी नहीं मस्ती करूंगा। आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊ, मैं ऐसे एकदम आपके हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? आओ बच्चों, मैं आपका अध्यापक, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं SBU। आओ बच्चों पढ़े, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट में मजा भी है। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में मजे दिलाऊंगा। क्या है बेटा, ये थेरी सब्जेक्ट है और मैं इसको अपने उस टोन पढ़ा हुआ ना, सबको मैं आधे घंटे अंदर लेटा सकता हूँ, सब सो जाएंगे, माँ का समय एक भी जगेगा नहीं। मैं मुझे पता है आपको सुलाना कैसे, मुझे कॉन्सेप्ट तो आप अच्छा सोच सकते थे। मैं कौन से टोन में बात करना, अगर मैंने उस टोन में चालू किया ना, आप आपका कॉन्सेप्ट नींद में बहुत ऊपर जाएगा। आप चाहे तो मैं कॉन्सेप्ट आपको आधे घंटे में नहीं सुला तो टीचिंग छोड़ देंगे। बोलो सुला दे आपको, ऐसा सुला देंगे मतलब आपको लगेगा कि क्या हादसा हो गया मेरे साथ, क्या होता है इतना। सच में एक बात बताओ, व्हाई डू यू थिंक सो मच? सीधा नहीं सोच सकते ऐसा, इधर से उधर से, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ आपकी दोनों की वजह से। मैं जब भी पढ़ा तो मेरे पास गुस्से से देखते थे। देखो
मैं आपको एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, पर मेरे को ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे एकदम एकदम मैं ऐसे पढ़ाऊंगा एकदम स्लो वर्जन में, तो ये सब्जेक्ट में वो नहीं होगा, मैं सब्जेक्ट में एनर्जी लाना होगी, आपको मजा आएगी। मित्रों आज हम लोग एसबीयू पढ़ते हैं, इसका नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ऐसा कॉन्सेप्ट एकदम ऑसम वाला, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट वेन एवर यू आर हैविंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। क्या बोला? डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट विच इज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जहां पे प्रोडक्ट कांट बी सोल्ड आउट अंडर वन रूफ, रिक्वायर्स एसबीयू। अभी तो आपको कुछ नहीं समझेगा, बहुत कुछ समझेगा धीरे धीरे। अगर आपके सारे के सारे प्रोडक्ट सिमिलर है, एक जैसे हैं, व्हिच कैन बी सोल्ड आउट अंडर वन रूफ, तो फिर आपको एसबीयू की जरूरत नहीं। पर आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ना, मतलब जो एक साथ रह नहीं सकते, बहुत ही भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप के वैरायटी, एकदम एकदम वेगळे से काय तरी, व्हिच कांट बी सोल्ड आउट अंडर वन रूफ इज कॉल्ड एस यू रिक्वायर एसबीयू। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे टाटा, टाटा के पास में एक बार तो रतन जी को किसी ने इंटरव्यू भेजा, रतन जी आपने शादी क्यों नहीं की जिंदगी में? रतन जी कह रहे हैं मैं काम में इतना व्यस्त रहा, मुझे लगा ही नहीं शादी की जरूरत है। कहां से आते हैं ऐसे लोग, जितना सम्मान करो उतना कम है भाई साहब। बिजनेस में इतना बिजी, उनको समझा नहीं शादी की जरूरत क्या है। आई लव माई बिजनेस, दैट्स इट। उनको पूछा गया अगला सवाल, क्या आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, आपके इसमें कितने कितने बिजनेसेस है? बोलते हैं वेरी सॉरी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। रतन जी हमने पूछा आपके पास बिजनेस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं खुद नहीं जानता मेरे पास कितने बिजनेस है, काइंडली चेक माई वेबसाइट यू विल गेट द आंसर। देन पीपल वेंट ऑन द वेबसाइट, तो कैसा होता है अल्फाबेटिकली, तो ए नाम से ये कंपनी, बी से वो, सी से ऐसा, जेड तक कंपनी से, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज एक्सपांशन किया टाटा ने। मैं देखना चाहूंगा आपका नॉलेज कितना है टाटा के बारे में, कितने लोग टाटा के प्रोडक्ट यूज किए कभी? ए आईपीएल, टाटा आईपीएल हाउ लाएगा तू? टाटा आईपीएल यूज किया है उनका है क्या आईपीएल? टाटा आईपीएल यूज किया है, अरे वो स्पॉन्सर है उसके हावले, वो टाटा का थोड़ी ना प्रोडक्ट आईपीएल। इधर बताओ बच्चों, टाटा के कौन से प्रोडक्ट को आप जानते हैं तो बताओ ना? टाटा नमक, देश का नमक, टाटा टी, टाटा पावर, टाटा टाटा की ताज होटल्स, टाटा स्टारबक्स। कोई स्टारबक्स में गया है क्या? गया है? टाटा क्लिक, बिल्कुल सही बोल रहे, टाटा क्लिक एक एप्लीकेशन है इनका, ये टाटा क्रोमा में, क्योंकि क्रोमा क्रोम क्रोम, अरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है सारे क्रोम में मिलते हैं ना आजकल मॉल्स में, क्रोम। टाटा स्काई, टाटा मोटर, टाटा टाटा टीसीएस, टीसीएस तो ना आईटी कंपनी है, टाटा जैगवार, तनिष्क लिख ले, तनिष्क तन इश्क, ठीक स्टूडियो स्टूडियो, ओके वो टाटा का, ओके टाटा। आपने कभी बोला और क्या टाटा, वो आता ना एक टाटा स्टार बाजार, वो स्टार बाजार आता ना मॉल्स में, क्या स्टार बाजार ही होता ना, स्टारबक्स नहीं स्टार बाजार कुछ तो होता ना, हाँ। और टाटा को तो मतलब इतना कुछ है टाटा के पास में, अभी तो आपने एयर इंडिया बोला ही नहीं, हाल ही में एयर इंडिया उन्होंने लिया पता है आपको, और आपको ये भी पता होगा टाटा एआईजी इंश्योरेंस में है, आपने पता नहीं होगा विस्तारा एयरलाइन भी उनकी है, जैगवार उनका है, लैंड रोवर, अरे मैंने शुरुआत की अभी अभी इनके बारे में लिखेंगे ना, तो मतलब आपको अपनी औकात नहीं इस इंसान के बारे में बात करने की, बहुत अलग व्यक्ति है। इन्होंने इंडिया को बिजनेस करना सिखा, धंधा क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है,
आज इंडिया में अगर इन सारे कंपनीज को अगर इकट्ठा मार्केट वैल्यूएशन लेकर आए ना, तो इनकी वैल्यूएशन रिलायंस से भी ज्यादा है। आज इनकी वैल्यूएशन जो है 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इफ आई पुट टुगेदर ऑल द कंपनीज का वैल्यूएशन, ऐसा सबका मिला मिला के जोड़ दू ना, इट इज मोर देन 30 लाख करोड़। रिलायंस 18 लाख करोड़। आपका दूसरा प्रश्न, इनमें से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? अगर आपने जवाब दिया ना, मेरी ओर से आज आपको एक, हम आपको लॉन्ग ड्राइव लेके जाएंगे अपनी कार में बिठा के। इनमें से देखते लाइव स्ट्रीमिंग वाले कौन बता रहे। सर टाइटन आपने ले लिया बेटा, सॉरी मैंने टाइटन नहीं लिखा, टाइटन एंड फास्ट ट्रैक वॉचेस। ओके सर, यू कैन रेफर कमेंट सेक्शन। यस यस मैं देख रहा हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं देख रहा हूँ, मैं देखा टेली सर्विसेज, ये देख रहा हूँ कॉफी लिमिटेड बेटा, टाटा AIG, बिल्कुल सही कह रहे हैं जैगवार, आई एम बिल्कुल सोनाटा वॉचेस, सब कुछ है बराबर है। इनमें से सबसे बड़ी जो है कंपनी है, इनका जवाब पूरे क्लास में सबसे पहले दिया है वो हिमांशु गुप्ता ने दिया है। हिमांशु गुप्ता फ्रॉम यूट्यूब कमेंट्स, हमारे पास में सबसे बड़ी कंपनी कोई टाटा की है, उसका नाम है TCS। बहुत ही सुर्खियों में नहीं रहती है, आप लोगों ने तो TCS के बारे में सुना भी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग इट इज नॉट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। आपको नहीं बेचता कुछ, आपको टाटा मोटर मालूम है, आपको टाटा नमक मालूम है, टाइटन मालूम, बिकॉज वो चीजें कंज्यूमेबल आइटम है जो आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपकी विजिबिलिटी में बहुत आती है। TCS कोई मॉल में दुकान लेके नहीं बैठा है, TCS एक IT कंपनी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है और पूरे टाटा समूह की सबसे बड़ी कोई कंपनी है। इन सारे कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी कोई होगी तो नाम होगा TCS, भारत की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो बनाती है सॉफ्टवेयर नॉट ओनली फॉर इंडियंस बट फॉर फिरंगी ऑल्सो। दोस्तों TCS, इंफोसिस, आप सभी जानते हैं दो बड़ी कंपनी है, TCS के ओनर है आप सभी जानते हैं रतन टाटा जी और इंफोसिस के ओनर है नारायण मूर्ति जी। ये दोनों ने बहुत बड़ी कंपनी है और ना कि इनकी कंपनी सिर्फ इंडिया में टॉप कर रही है, ये वर्ल्ड के टॉप 10 रैंकिंग्स में आती है। ये इंडिया के लिए कम फिरंगियों के लिए ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाती है। दोस्तों TCS का बहुत ही ज्यादा नाम है। यहां पे मेरे सामने जो हिमांशु है बेटा, हम आपको बिल्कुल गिफ्ट देंगे, आप मुझे आपका नंबर देंगे तो हम आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। कौन है हिमांशु गुप्ता? कौन है ये हिमांशु गुप्ता? कौन है आप? आपको बेटा, हाँ आपको, आपको अकेले में मिलते हिमांशु मेरा नंबर आप सभी के पास है, जरूर उस पर व्हाट्सएप करना, मैं आपको 501 रुपए का इनाम देना चाहता हूं। दोस्तों इस उम्र में ये जानकारी होना, बिकॉज TCS बहुत ही ऐसा आंसर है बहुत ही कम लोग जानते। यहां पे सबसे पहला आंसर TCS किसने दिया था? सच बोल, बेस्ट तू ही है। क्या नाम है जो आपका? हाँ मिश्रा, कहां से आप? बनारस से हैं? अरे है, हम आपको आगे ले जाएंगे। आई डोंट नो, मैं जब मैं एकदम प्लेन वैनिला भी बोला ना, लोग उसमें नहीं कि अपना अपना टॉपिंग खुद डाल देते। मैं क्या बोल लोगा आपका? What did I say कि मैं तुमको आगे ले जाऊंगा? कई वाइट बोल लोगा। It was really, it's a very plain normal sentence it was. अब अपना खुद ही उसमें मैं डाल देता हूं, तुम तड़का लगा लेते हो। I don't understand what's happening. Please आइए दोस्तों, आपके सामने हम TCS को बता रहे हैं। बनारस से आए मिश्रा जी ने जवाब दिया है कि TCS टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी है। चेक करिए इनका मार्केट कैप, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12.5 लाख करोड़, ज्यादा नहीं, सोनी 12.5 लाख करोड़ क्या है तो 12.5 लाख रुपए नहीं है छिचोरो, 12.5 लाख और उसके करोड़ है, मतलब 12.5 लाख लिखने के पहले मैथ्स में और 7 उसके ऊपर लगाने के, वो जो आता 12.5 लाख करोड़ होता, जो अपने कैल्सी में फिट भी नहीं होता। एक कंपनी की वैल्यूएशन है, ये एक बच्चा है टाटा का, ऐसे टाटा के इसमें 800 बच्चे हैं, नाम तो सुना होगा रतन टाटा। दोस्तों द वैल्यूएशन ऑफ इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड कोई है वो रतन टाटा है, जहां पे उन लोग का पैसा कमाना पहले इंटेंशन है, लोगों की सेवा करना इंटेंशन है, बिकॉज रतन टाटा का उसूल ही वैसा है। टाटा को कभी आपने देखा ऐसा गलत चीजों के लिए शामिल है? कभी नहीं देखोगे, कंपनी अपने एथिक्स और वैल्यू पे चलती है। आइए मैं आपको देखे जा रहा हूं, मैं कहा हूं
टाटा टोटल मार्केट मार्केट बेटा उन्होंने तो अपने नाम पे कुछ रखा ही नहीं ना, सब समाज के नाम पे दे दिया। डोनर है उनके, ना बीवी है ना बच्चा है। अब रतन टाटा की उम्र कितनी है, तो उन्होंने सबको दे दिया। बहुत सारे स्कूल्स पुणे में रतन टाटा की वजह से चलती है। डोनर है बहुत बड़े इंडिया के। कोविड के समय पे 2500 करोड़ दिए थे इंडिया को, 2500 करोड़ दिए थे रतन जी ने। कोई है ना वारिस नहीं है ना, किसके लिए कर रहे हैं? मतलब देखो कमाया उन्होंने, शेयरहोल्डर्स अपने से लोग शेयरहोल्डर्स है, कंपनी परपेचुअली चलेगी। बट बंदा खुद टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नहीं, बिकॉज खुद के पास में बहुत स्टेक होल्डिंग नहीं है ऑफ टाटा ग्रुप, ज्यादा नहीं है, ओनली दिस मच। इट्स अ सो स्मॉल नंबर, $311 बिलियन। अब आपने तो पहले बिलियन से खेलना, फिर डॉलर से। ये बिलियन रुपीस नहीं, आपका संघर्ष तो पहले बिलियन डॉलर से। ये बिलियन किसको बोलते, फिर डॉलर आते हैं उसमें। बताए $1 बिलियन बोलते 8,000 करोड़, तो 311 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अरे 300 को 8,000 से मल्टीप्लाई करो, आई थिंक 24 लाख या उससे ज्यादा। नहीं आप बताओ, 300 × 8,000 24 लाख आ रहा है, तो 24 लाख करोड़, 24 लाख लिखने का, उसके ऊपर 7 जीरो लगाने की, उतनी उनकी टोटल कैलकुलेशन है। उसमें से अकेले टीसीएस की वैल्यूएशन 13 लाख करोड़ की, यानी अकेला टीसीएस इतना बड़ा बेबी है उनका, और बाकी सब एक तरफ, टीसीएस एक तरफ। ओके अब देखते हैं, व्हाई डिड आई टॉक सो मच अबाउट टाटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसबीयू, बिकॉज टाटा ने हर किसी बच्चे को अपना एसबीयू बना दिया। बिकॉज रतन टाटा ने सबसे पहली बार जब बिजनेस चालू किए, वो सर काम खुद ही करते थे, मोटर्स भी मैं करूंगा, नमक भी मैं करूंगा, चाय पत्ती भी मैं करूंगा, टाइटन भी मैं चलाऊंगा। देन धीरे धीरे अंडरस्टूड, यार एक बंदा इतना काम नहीं कर सकता, देन इट विल बिकम अ बैरियर फॉर द एक्सपेंशन। इसलिए उन्होंने क्या किया बताया क्या, बहुत सारे धंधे चालू किए। ये चालू किया, अब टाइटन तुम संभालोगे, मैं नहीं संभालेगा, टाइटन के लिए मिस्टर ए संभालेगा, ताज होटल मिस्टर बी संभालेगा, टीसीएस सी संभालेगा। समझ में आया क्या गया? हर एक बच्चे को अलग अलग कर दिया। इनकी सबकी पापा जी एक है, पर बच्चे आपस में एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते, बाप एक है। सबके बॉडी में टाटा टाटा लिखा हुआ है, पर कोई आपस में रिश्ता नहीं है। कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है टाइटन के शोरूम में नमक देखा है टाटा का? क्यों बोले, टाइटन वॉच पे 2 किलो नमक फ्री कभी देखा है? क्यों नहीं होता भाई। एक काम करो, टाटा नैनो ले लो, 10 किलो नमक देंगे। कभी देखा है ऐसा? डिग्गी में पूरा नमक भर के देंगे। आई मीन इट डजंट हैपन दैट वे, ऑल्दो दोनों के पापा जी एक है, पर बच्चे आपस में दूसरों का कोई संबंध नहीं, बिकॉज उनकी डिफरेंट एंटिटी बना दी। यानी कि टाटा नमक अलग, टीसीएस अलग, टाटा चाय पत्ती अलग, स्टारबक्स अलग, टाटा एआईजी अलग, सब अलग अलग कर दिया, सबको बना दिया एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस। यानी सर इनका पापा जी एक है, इनके सबके ऊपर टाटा सन्स नाम की कंपनी है। आपको पता टाटा सन्स कौन है? इनके सबके पेरेंट कंपनी हो। इधर देखिए, टाटा सन्स, विके बता टाटा सन्स कौन? आपने एक नाम सुना हुआ, शाहपुर जी पलोन जी, जाने दो कोई बात नहीं। एक बात से परो क्या लिखा है, किसकी कंपनी है टाटा सन्स, क्या बोल रहे हैं? अरे समझा क्या लिखा है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। यानी टाटा के अंदर ब्रांड में जितनी भी कंपनियां आती है ना, उनके होल्डिंग टाटा सन्स की है, यानी टाटा सन्स उनके पापा है। एंड हु होल्ड्स द बल्क ऑफ शेयर होल्डिंग, ये सब लिखा है, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ नियरली 100 कंपनीज के अंदर आती है। टाटा सन्स को चलाता कौन है? अभी उनके जो ये सीईओ एमडी, जिनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, और इनका जो है ना, इसके जो आप देख रहे होंगे, ये तो नटराजन जी है, अभी फिलहाल रतन टाटा के बिहाफ में पूरे टाटा समूह को वो संभालते हैं। पर इन्होंने क्या किया ना,
हर एक बेबी को अलग अलग बना दिया। अब जैसे कि अगर मैं यहां लिखता हूं TCSEO, ये बंदा है कृति वासन, ये उनका नाम है, ये टीसीएस को संभाल रहे बस। तो टीसीएस को अलग बच्चा बना दिया, उसकी बैलेंस शीट अलग, उसका पीएनएल अलग, उसको संभालने वाला बंदा अलग। तू तेरा देख ले भाई, यानी घर में चार बच्चे पैदा हुए किसी पापा को, सारे बच्चों को डिवाइड कर दिया, सब अलग अलग धंधे करेंगे, बार बार चिक चिक नहीं करने का। कुछ कुछ पेरेंट्स जो रहते ना बहुत दिमाग उनका खराब हो जाता है, झगड़ने का नहीं आपस में, ये ए बिजनेस तेरा बी तेरा सी तेरा, इधर आपस में लफड़ा नहीं करने का। होता है ना बहुत घरों में, अरे यार होता है ना ऐसे इंडियन फैमिलीज में होता है, चारों साथ में रह रहे रोज लड़ रहे आपस में, बस इनफ, चारों के चार बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस अलग, तुम्हारी बैलेंस शीट पेंडल। ऐसा रतन टाटा ने सबके बिजनेस को अलग कर दिया, टीसीएस तुम संभालोगे। अब टीसीएस की स्ट्रेटेजी अलग, उसके विजन मिशन अलग, उनके सब कुछ गोल ऑब्जेक्टिव सब अलग, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अलग। तो सर मतलब टीसीएस अलग है तो बेटा सभी अलग है, तो फिर टाटा मोटर्स सीईओ कौन है भैया, सीईओ उसका टाटा मोटर्स सीईओ आ रहा क्या? नहीं, इमेज में जाता हूं, आ जाएगा। ये फिरंगी बंदा बनाया, देखो ये सीईओ है आजकल उसका, ये आजकल जो टाटा में इतना चल रहा है ना यही बंदा है वो। ये क्या नाम उसका, नाम पढ़ रहे ए राधे राधे, बट शेक बेटा थोड़ा ध्यान से बोला, बट शेक व्हाट? ठीक है जान दो अपने खेलने का, इसका नाम नहीं कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहां से टाटा को बोलो, टाटा 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 स्टील, टाटा स्टील सीईओ टीवी नरेंद्रन नटराजन नरेंद्रन साउथ इंडियन अन्ना ब्रेन वेरी गुड ब्रेन अन्ना, दे आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, दैट्स व्हाई दिस पीपल आर हायर्ड फॉर दोस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। ओके अब बताओ बच्चों मैं क्या बात करना चाहता हूं, पापा एक है बच्चे अलग है, इसका मतलब क्या हुआ है? ये बच्चों को अलग अलग कर दिया और हर एक बिजनेस को बोला तुम अपना अपना संभालो। अगर कल चल के टाटा मोटर्स में कुछ लॉस हुआ, सुनो टीसीएस में कुछ लॉस हुआ ना, नरेंद्र बोलेंगे इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। हाँ अगर कुछ मैंने गड़बड़ किया ना तो मुझे सुना ना, जब मैं स्टील में कुछ गड़बड़ करूंगा, और स्टील में कुछ गड़बड़ हुई ना तो टीसीएस को कुछ लेना देना नहीं है, एज इफ दे डोंट इवन नो ईच अदर। अरे ये ब्रांड आपस में एक दूसरे को ब्रांडिंग भी नहीं करते एक दूसरे की, कभी आपने देखा ना ताज होटल में जाओगे ना तो टीसीएस का नाम और निशान नहीं दिखेगा आपको, एज इफ दे आर टोटली आइसोलेटेड, एज इफ दे डोंट इवन नो ईच अदर। सर ऐसा करने का कारण क्या? आप सोचो ना, अगर मान लो एक ही बंदा है सब वही काम कर रहा है तो एक बंदे के इसमें इतने बिजनेस संभालने की एक्सपर्टीज नहीं आ सकती बॉस। यू कैन नॉट मैनेज हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस बिकॉज एवरी बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, हल्दीराम आइए इधर देखिए, मैं आपको हल्दीराम पे ले जाता हूं। आपने कभी हल्दीराम सुना है? अरे बच्चों ऑक्स दे भाई, मैं आपको हल्दीराम दिखा रहा हूं, हल्दीराम प्रोडक्ट्स। आप बता दो क्या आपने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स देखे? देखे रज के रुलाया, आपको मैं हल्दीराम के प्रोडक्ट्स दिखाता हूं, ये देख लीजिए जरा। आप बताओ इनको एसबीयू की जरूरत है क्या? क्यों कमाल कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम एसबीयू बना देंगे, क्यों नहीं? अरे सबका एक बनाया ना, देखो हल्दीराम चूड़ा एसबीयू, हल्दीराम फाफड़ा एसबीयू, हल्दीराम मिक्स एसबीयू, हल्दीराम सोन पापड़ी एक एसबीयू, हल्दीराम दूध एसबीयू, हल्दीराम पनीर एसबीयू। क्या बोलते, सही बोल रहा हूं क्या मैं? बनाओ कि नहीं बनाओ एसबीयू? क्यों? अरे इतने सारे प्रोडक्ट है, आपको हल्दीराम की इज्जत नहीं आपके दिन में? टाटा को बोले एसबीयू बना दो, इसका क्यों नहीं? हल्दीराम गुलाब जामुन एक एसबीयू, हल्दीराम जलेबी एक एसबीयू, हल्दीराम सोन पापड़ी एस, क्या बोला
मार्केट सेम है और ये प्रोडक्ट सेम है. ऑल दी प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड आउट अंडर वन रूफ. ये हर एक चीज इतनी सिमिलर है कि इनकी स्ट्रेटजीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिफरेंट. ये सारी की सारी चीजें एक रेस्टोरेंट पे बिकती है, पर टाटा नमक, टीसीएस, टाइटन घड़ी एक जगह पे नहीं बिक सकती है. उनके चलाने के लिए बुद्धिजीवी लोग अलग अलग टाइप के होते हैं. अरे ये तो सारी खाने साने जो सारे के सारे आइटम है सब खाने के तो है. दिवाली के टाइम पे तो सारी चीजें ले ही लेता है इंसान. इसमें कौन सी अलग चीज है? ये सब चीजें खाने का आइटम है. तो इसलिए एक भी बंदा इसको अलग से अलग चूड़ा अलग ऐसा नहीं है भाई. सबके इधर सो इस एसबीयू कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर एसपीसी ने सोचा अपन भी एसबीयू बनाते हैं. लॉ अलग एसबीयू, ऑडिट अलग एसबीयू, अकाउंट्स, टैक्स. आई एम राइट और रॉन्ग? अरे भाई मैं अकेला सीईओ हूं बिजनेस का. आई एम मैनेजिंग द एंटायर शो. क्योंकि ये सारे के सारी चीजें आर यू नो कैन बी सोल्ड आउट अंडर वन रूफ. इनको अलग अलग की जरूरत है नहीं. डू दे रिक्वायर? दे डोंट रिक्वायर इट बिकॉज, अरे बोलो क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? एक बंदा मैनेज कर सकता था इसको. सबकी स्ट्रेटेजी एक जैसी होगी ना. अब मैं बताओ ईआरएस के लिए अलग, एसएम के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाओ और लॉ के लिए अलग बनाओ कि सबकी मिला की एक ही विजय बैच है. तो स्ट्रेटेजी तो एक ही हो गई ना सबकी. तो क्यों इसके एसबीयू बना रहे हो? पर मैं आपको एसबीयू का अलग एग्जाम्पल दे देता हूं. आपने नाम तो सुना ही होगा आईटीसी, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी. इसके बारे में कल भी जिक्र किया था. काफी लोग खुश होते सुन के बिकॉज यहां पे वो मिलता है. मैं आपको लेके जाता हूं. वो हवा हो गए हाय. दोस्तों आपके सामने आ रही आईटीसी कंपनी देश की वन ऑफ द मोस्ट कैश रिच कंपनी आपके सामने आ रही. कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सर नाम में लिखा कॉन्ग्लो, यानी कि जो धंधा कॉन्ग्लो होता है ना कॉन्ग्लो, वो बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न बिजनेस में होता है. इसलिए उसका नाम कॉन्ग्लो रखते हैं. ये कॉन्ग्लो क्यों है? देखो प्रोडक्ट देखो. नहीं देख रहे हो? देखो देखो, सिर्फ सुट्टा नहीं बना दिए और पूरे सबसे बड़ी बात सुट्टे का नाम ही नहीं लिखा है. हाँ लिखा है कि आखिरी में लगा वो भी एकदम नीचे कोपचे में. ये नहीं बताया कि सब सिगरेट से चूना लगाया लोगों को एकदम कोपचे में नीचे सिगरेट. क्यों लिखा मालूम है? जस्ट दिखाने के लिए. अदरवाइज उनका जो धंधा है ना 80-90% धंधा वहां से आता है. ये सब जो ऊपर के धंधे किए ना पूरे कमाई में से 8-10%, 20% बाकी होटल से, रिसोर्ट से, पेपर आप जो रजिस्टर यूज करते हो, आईटीसी की स्कूल्स है, आईटीसी की एग्री, आईटीसी की आजकल आईटी कंपनीज भी आ चुकी है. गोल्ड प्लेक विल्स नेविकाट. किस में कोई जानता है इन सिगरेट को एकदम करीब से? किसको जानते बेटा? क्लासिक को जानते ना बेटा. तुमने क्लासिक बोला पहले. इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता में. ये कंपनी की स्थापना जो है अंग्रेजों के जमाने में हुई थी. अंग्रेज इंडिया को जाते थे सुट्टा पिला के गए और इंडिया को कैंसर दे गए. आज सबसे ज्यादा सिगरेट में कोई ब्रांड चलता है वो आईटीसी का चलता है. आईटीसी सिगरेट ब्रांड्स. सौ में से 80 लोग जब फूकते हैं ना इनकी फूकते हैं. नाम तो सुना होगा आईटीसी, बाकी सब लोग बीडी वगैरह में काम चला लेते हैं. और जिन लोग की बाकी लोग की सिगरेट है वो इतनी चर्चाओं में नहीं है, लोकल लोकल ब्रांड्स. बट 100 लोग जब फूकते हैं ना मार्केट में, बस सिर्फ धुआं. इतना पैसा कमाया उन्होंने वहां से और फिर इनको लगा उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया. कंपनी वेरी कैश रिच. इतना पैसा है, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, मैं क्या बोलू, पैसा ही पैसा. आईटीसी कैश रिच. कैश रिच कंपनी.
भारत की कैश रिच कंपनीज कौन सी जिनके पास में बहुत माल है? उसमें एक नाम है, नाम तो सुना ही होगा, ITC। ये तमाम ऐसी कंपनी है जो अडानी का उल्टा चलती है। अडानी के पास में पैसा नहीं, इनके पास में पैसे रखने को जगह नहीं। कैश रिच सिर्फ पैसा आता है जाता नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा प्रॉफिट मुनाफा है इनको, इनको यही समझता नहीं पैसों का क्या करें। मतलब ऐसा भी दिन आना चाहिए जीवन में समझ रहे नहीं पैसा क्या करें। हाँ, कितना मजा आता होगा, लोग फूंकते होंगे धुएं में और ये मजे उठाते होंगे। और पता है यही एक वजह रही, दे हैव एस्टैब्लिश्ड SBUs इन इंडिया, क्योंकि उनको समझ रहे ना पैसे करके, अच्छा बैंक में पैसा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यू शुड नो एटलीस्ट व्हाट टू डू विद दोस फंड्स, क्या करें इन पैसों का, क्या किया जाए। एक काम करते हैं, आ जाओ कुछ बनाते हैं। ITC ने सिगरेट पिलाई, पैसा बहुत कमाया और इन पैसों से अब बनाई होटल्स, होटल्स बना दी, बहुत होटल्स डाल दी। अब बोला अरे और पैसे आ रहे, बिकॉज इनफ्लो रोज क्या ना, रोज लोग फूकते हैं और फूकने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, भारत में कितने लोग फूक रहे हैं, कितने लोग फूकते हैं। यहां पे तो बहुत लोग होते होंगे, पर आई डोंट नो, अकेले में बताना। बजाज ऑटो, वेदांता, टेक महिंद्रा, सब क्या है, पैसा पैसा बहुत पैसा। ये सारी कंपनी जिनके से बहुत पैसा, बहुत माल, कोल इंडिया, TCS, इंफोसिस, ऑयल इंडिया, पैसा रखे बॉस। और जिनके पास में पैसा ज्यादा आया उन्होंने SBU स्टार्ट किया, क्योंकि क्योंकि पैसे का कुछ तो करेंगे ना भाई, क्या अभी से पैसे रखे बैंक में सेविंग अकाउंट में बगैर इंटरेस्ट का। एक काम करते और कुछ खास करें, मैं आपको लेके जा रहा हूं ITC SBUs लिस्ट, क्या करती है ITC। ये तो उनके सिगरेट के ब्रांड्स है और मैं आपको ITC के SBUs दिखा रहा हूं। इतना एड चला था नहीं, मैं आपको ITC के सिगरेट ब्रांड्स बता दो भाई, कौन सी पहचान की है आपके? ये कौन सी बेटा? अरे वाह, और ये कौन सी है रे? इसमें से क्या क्या जानते हैं आप? क्लासिक, और एक दिख रहा है मॉलबोरो, ऊपर गोल्ड फ्लेक भी दिख रहा है। संडे के दिन मैं वहां पे गया था कोरेवा पार्क में, डेली बोल की एक जगह है, मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ में यूं ही संडे शाम में, आई वॉज हैविंग सम डिस्कशन ऑन देयर, चार पांच चिंटी आई वहां से बस मेरे बाजू में ऐसे, और पांच लड़कियों का ग्रुप बैठा, मे बी यू नो सेकेंड थर्ड ईयर और मे बी फर्स्ट ईयर BCom ऐसे, सब में एक चीज कॉमन थी। फिर बीच में उनका अचानक से सिगरेट का स्टॉक खत्म हुआ, एक चिंटी उठी, शी वेंट आउटसाइड, फिर उसने 20 का और पैकेट लाया और मैं पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहा था। मैं फूकने का स्पीड चेक कर रहा था कि एक घंटे में कितनी फूकती है, एक खत्म चालू, दूसरी, तीसरी चालू, पांचवी चालू। मैंने अपना जो ऑर्डर किया था मैंने खाने पे ध्यान नहीं रखा, मैं ITC का सेल चेक कर रहा था साला। ये तभी, ये तो दूसरे चिंटिया थी। एक बार तो ऐसे हुआ, आई वेंट टू स्टारबक्स, स्टारबक्स नहीं वो क्या, जर्मन बेकरी, वो सिम्बस के बाजू में, ओके, आई वेंट देयर और क्लास जैसे खत्म हुई आई वेंट देयर, हैड अ मीटिंग हो देयर, ओके। तो मैंने थोड़ा सा देखा, बोला ये चेहरा जाना पहचाना ऐसा लग रहा है, एक चिंटू और चिंटी दोनों बैठे थे, मेरे को समझ गया अपनी क्लास के, और मस्त था दोनों माहौल बना रहे धुएं में, मैंने कहा टैलेंट। और मैंने उनको ऐसा बताया कि मतलब मैंने उनको आई डिड नॉट मेक देम फील ऑकवर्ड, अब कोई इतना धार्मिक काम करा मैं कैसे जाके डिस्टर्ब करूं उसमें, तो मैंने जाके क्यों बोलू ना मैं वहां पे। तो फिर मैं जाके उधर बैठ गया, बट लेटर ऑन
शी अंडरस्टूड कि मैंने उनको देखा है. सो दे बोथ गॉट ऑन दे केम टू मी एज यू नो दे फील सो बैड. सर कैसा, आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट सीन. नहीं मैंने कहा मैंने कुछ देखा ही नहीं. मैंने बेटा सॉरी क्यों बोल रहे आप. नहीं बोले सर मैंने कुछ कोई बात ही नहीं. बोले सर मैं वो सिगरेट. अरे चलता है बेटा कोई इस उम्र में नहीं कर तो कब करोगे. आंखें बंद कर लेता हूं मैं कभी कभी. और चीजें अच्छी हो ना साहब, तो अगर वो कॉफी पीने जा रहे हो तो कॉफी क्या है, तुम चार टाइप की कॉफी पियो, बात कोई नहीं है. क्या पी रहे हो, ये जहर है, ये कुछ नहीं आना है इससे बाहर, सिर्फ धुआं आएगा. गोल्ड फ्लेक क्लासिक ये सब उनके ब्रिस्टॉल वगैरह सब उनके ब्रांड्स है और इन्होंने पैसा कमाया वहां से. और फिर जो उन्होंने काम किया ना बॉस इंडिया में, अमेजिंग काम किया है इन्होंने इंडिया में. जो पैसे बनाए ना, ये देख लीजिए क्या लिखा है ऊपर हेडिंग पे, क्या क्या काम किया इन्होंने इंडिया में. क्या कर रहा है ये, अरे क्या ये, इन्होंने पैसा कमाया है पूरी तरह से. कहां से, अरे कहां से कमाया. और फिर बाद में ये सारा पैसा लगा दिया होटल में, होटल्स बनाई, रजिस्टर बना दिए, एग्रीकल्चर बना दिया. क्या हो रहा था ना, इसका कंपनी का ब्रांड नेम बहुत खराब हो रहा था. और क्या होता है ना, कोई भी शेयर मार्केट में कोई कंपनी बैड गुड्स बनाती है ना, उसके शेयर के बाजार बढ़ते नहीं है, बिकॉज लोगों को लगता है कभी भी बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आएगा बंद करवा देगा. तो इन्होंने अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई किया कि लोग भूल ही गए कि सिगरेट की कंपनी है. डायरेक्ट फैंटेसी इनका, आशीर्वाद आटा इनका, सनफिश बिस्कुट इनका, यानी कि इतनी चीजें बनाते गए बनाते गए बनाते गए. अब लोग थोड़ा थोड़ा सा लोगों को ये हो गया, अच्छा ये सिगरेट भी बनाती है क्या. पर बेसिकली धंधा उनका सिगरेट का, बाकी तो उन्होंने क्या करा, वो सिगरेट रह के नीचे बाकी सब ऊपर लगा दिया. तो कंपनी नॉट, नाम में क्या लिखा, इंडियन टोबैको कंपनी. वाह, टोबैको कंपनी और बना रही होटल्स, बना रही रजिस्टर. वो कभी अपने नाम के सामने नहीं, इंडियन टोबैको नहीं लिखते कभी. जस्ट राइट आईटीसी, कौन जाके लॉन्ग फॉर्म देखेगा उसका, आईटीसी का क्या है, नाम में टोबैको लिखा हुआ है. और ये सब एसबीयूस बना रही है. और आपको पता है ये जो लिखा है ना आईटीसी के सब, आईटीसी आईटीसी होटल्स के सीईओस, यू विल फाइंड डिफरेंट. अनिल छड्डा ये चलाते हैं आईटीसी होटल्स, इनके हवाले कर दिए आईटीसी होटल्स. वैसे इनके हर एक एसबीयू के अलग, इनके कॉम्पिटिटर्स. अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूं आपको, जवाब देना, आईटीसी होटल्स के कॉम्पिटिटर्स कौन. ताज होटल, जेडब्ल्यू मेरिट, हयात, नोवोटेल एक्सेट्रा, बराबर है. आईटीसी के पास एफएमसीजी भी है, ये जैसे आशीर्वाद आटा, सनफेस्ट, डार्क फैंटेसी, ये सब उनकी प्रोडक्ट है. उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. आप देखते आपका नॉलेज कितना है. आप बताओ इंडिया में सबसे बड़ा एफएमसीजी किसका, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सबसे बड़ा कौन सा. नाम तो सुना होगा एचयूएल, दूसरा नाम सुना होगा बाबा पतंजलि, बाबा रामदेव का पतंजलि, तीसरा नाम सुना होगा पीएनजी, और चौथा नाम सुना होगा आईटीसी. ये सब कॉम्पिटिटर से, यानी कि दोस्तों आपको यह समझना है, अगर आपके पास में एसबीयू है, हर एसबीयू के कॉम्पिटिटर्स अलग अलग होते हैं. जैसे इनकी होटल है कॉम्पिटिटर्स होंगे जेडब्ल्यू मेरिट, हयात, इनका एफएमसीजी है तो कॉम्पिटिटर्स कौन, एचयूएल, पतंजलि. आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. तो बताओ ये कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे तो इनकी सबकी स्ट्रेटेजी एक जैसी होगी. जैसे लिख दिया एक सिगरेट पे एक सिगरेट फ्री, और ये लिख दिया तो क्या मैं सबको एप्लीकेबल कर सकता हूं, एक रूम पे एक रूम फ्री, एक सनफिश पे एक सनफिश, ऐसा नहीं हो सकता ना. आपके हर एसबीयू की स्ट्रेटेजीज भी, हर एसबीयू की कंपटीशन भी, सब कुछ अलग होता है. उनकी बैलेंस शीट, ये सब प्रोडक्ट की, उनके संभालने वाले लोग, उनके पे एंड अकाउंट, उनकी लिस्टिंग, उनके मैनेजर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके विजन, उनके मिशन, उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव, उनका काम करने का तरीका. बाप एक है आईटीसी, बच्चे आपस में एक दूसरे को गिनते नहीं, एज इफ दे आर नॉट कनेक्टेड. अभी इंडिया के दो तो हो गए, अब एक फिरंगी ब्रांड लेते, नाम तो सुना ही होगा आपने, कभी सुना है फिरंगी ब्रांड. अच्छा गूगल इस कंपनी का नाम बताइए. अरे बताओ बच्चों,
देखते लाइव स्ट्रीमिंग से कोई जवाब दे दे मुझे। गूगल इस कंपनी का नाम है, आप लोग सभी बता दे गूगल कंपनी का नाम गूगल है या कुछ और है? एंड द करेक्ट नेम इज अल्फाबेट। हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? मैंने आपके बताया था उसे, लैरी पेज एंड ब्रेन में सर्जरी लैरी पेज, ये दोनों के दोनों उसके फाउंडर है। 1998 में कंपनी बनी थी, आज 25 सालों में कंपनी क्या से क्या हो गए देखते देखते। कंपनी ने इतनी सफलता की ऊंचाई हासिल की है ना, ऑसम। हर जगह पर अपने सफलता का परचम लहरा इस कंपनी ने। पैसे कमाए गूगल सर्च इंजिन से, जो मैं अभी भी गूगल पे ही गूगल सर्च कर रहा हूं, इससे और क्या बात हो सकती है। मैं गूगल पे ही गूगल सर्च कर रहा हूं, आओ ना मैं आपको ले जाता हूं। अल्फाबेट जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, तब तक खुशियों ने दी थी मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह थी ये सजा, क्यों खाब देखे बोले गया, जिए जो हम लगे सितम अजाब ऐसे बोले गया। मैंने जिस दिन कही प्यार की बात थी, रुक गई अचानक ओ रे खुदा। दोस्तों आप देख रहे होंगे अल्फाबेट नाम की कंपनी हो चुकी, जिसका नाम पहले गूगल हुआ करता था, पर उन्होंने क्या हुआ, गूगल ने क्या किया ना, गूगल एंड्रॉइड लॉन्च किया, फिर यूट्यूब लॉन्च किया, फिर इनको लगा इतना पैसा गूगल से कमा रहे हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। गूगल ने यूट्यूब को जिस कीमत पे बाय किया था, यूट्यूब को उतना पैसा यूट्यूब 3 हफ्ते में कमाता है। नहीं समझा, एक बार बोलता, जिस यूट्यूब को एक्वायर किया था गूगल ने, इट वाज नॉट बिलोंगिंग टू गूगल, इट वाज एक्वायर्ड इन 2006 बाय गूगल। YouTube चल रहा था, उन्होंने एक्वायर किया और बाद में उसको जितनी कीमत दी, आज उतना पैसा YouTube से वो 3 हफ्ते में कमाते हैं। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दे हैव। और आप सभी जानते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस कंपनी ने सबसे पहले शुरुआत की गूगल से, यूट्यूब से, और यहां से बहुत सारा पैसा कमाया। फिर पैसा इतना कमाया, काम करेंगे जैसे एयरटेल का फाइबर ऑप्टिक चलता ना इंडिया में, अरे जियो का फाइबर ऑप्टिक, जियो फाइबर, वैसा उन्होंने अल्फाबेट का फाइबर ऑप्टिक का बिजनेस चालू किया। सारा पैसा गूगल से कमाया, गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब से कमाया, गूगल मैप से कमाया। आप पैसा डाले फाइबर में, आप पैसा डाल दिया गूगल एक्स में, आप पैसा चालू करते हैं गूगल कैपिटल में, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। गूगल वेंचर्स चालू कर दिए, गूगल साइडवॉक लैब्स चालू कर दिए, गूगल नेस्ट चालू कर दिया, यानी कि इतने सारे बिजनेसेस चालू कर दिए और हर एक बिजनेस को बना दिया SBUs। पापा सबका एक ही है, नाम तो सुना होगा अल्फाबेट। बच्चे आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रखते, हर बच्चे को समान लाला मैनेजर अलग। एवरीबॉडी गॉट इट? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज SBU। आप सभी जानते, वी आर सो हैप्पी। आज हम लोग देखते हैं एप्पल अल्फाबेट के लिए कौन है सबसे ऊपर, कौन, कोई बताएगा अल्फाबेट का सीईओ कौन है? क्लास में जिक्र किया था इसका, अल्फाबेट का सीईओ, नाम तो सुना होगा सुंदर पिचाई। This guy is not from US, he's from India. और ये इंडियन बंदा है, साउथ इंडिया से, चेन्नई से बिलोंग करता है, IIT खड़गपुर से इन्होंने अपने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। और फिर उसके बाद में आप देख रहे हो आज वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ का ये डेजिग्नेशन संभालते हैं। बहुत गौरव की बात है, हम सबके लिए अभिमान है, गौरव है, स्वाभिमान भी है। दोस्तों नाम तो सुना होगा सुंदर पिचाई, इसके इतनी सैलरी वर्ल्ड में किसी को भी नहीं है। हाइएस्ट पेड एम्प्लॉय ever 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 in the history of world, Sundar Pichai, इससे महंगा कोई नहीं है employee पे, employee Sundar Pichai की सैलरी देखोगे क्या? सुंदर ज्यादा नहीं, थोड़ी सी 248 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए, $1 मिलियन यानी कि $1 मिलियन 8 करोड़, 242 को 8 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, एक साल में उतने पैसे मिलते हैं उसको, यानी कि लगभग
2000 करोड़ की सैलरी हर साल मिलती है, डिवाइड बाय 365 करेंगे आप तो समझ आए एक दिन में कितने पैसे कमा रहा है। साला पैसे कमा रहा है का मजाक कर रहा है भाई, 6 करोड़ रुपए एक दिन डलता है 6 करोड़ मिल जाते हैं उसको। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साल भर घिसता तो 6 लाख रुपए मिलते हैं, इसका एक दिन डलता है 6 करोड़ कमाते हैं। इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इट्स अबाउट द वे यू यूटिलाइज नॉलेज। इंडिया में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबकी सैलरी एक जैसे नहीं है, सबकी इनकम एक जैसे नहीं है, हार्डली कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप जानते हैं, बाकी लोगों को तो आप पहचानते भी नहीं। 5 लाख भी सीए कमाता है और 50 करोड़ भी सीए कमाता है, डिपेंड्स। सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री सबको सेम मिली है, ऐसा क्या डिफरेंस है? इट्स नॉट अबाउट सीए डिग्री, इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज योर नॉलेज, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंसेप्ट, इट्स बियॉन्ड दैट। ये सारा जो समझ रहे हो ना, आपको प्रैक्टिकल दुनिया में इसका इस्तेमाल कितने अच्छे से करने आता है वो डिसाइड करता है आपकी लेवल ऑफ इनकम। सुंदर पिचाई एक गरीब घर का इंसान है, इसका हिस्ट्री पढ़ना आपको समझ जाएगा कहां से कहां पहुंचा हुआ बंदा है। कोई गॉडफादर नहीं है, घर पे आम आदमी है, उसके पापा मम्मी कैसे तैसे पढ़ाए उसको, जाने के टिकट के पैसे नहीं थे उसके पास में, उसको जब बुलाए यूएस में तो यूएस से एमबी किया था उसने, उसको जाने के लिए पैसे नहीं थे भैया, उसके पहले तो इच्छा थी कि उसके मम्मी को लेके जाए पर पैसे नहीं, तो फिर अकेला जाना पड़ा। घर पे पैसे नहीं थे पर उसने बोला था कि बैग पैक होना चाहिए आपके पास में, एक उसी से आपकी एंट्री होगी, तो बैग सारे के सारे पैसे बैग पैक खरीदने में लगा दिए। गरीब घर से भाई आज कौन है रॉक कर रहा है, आज वर्ल्ड के सबसे बड़े वैल्यूएबल कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी का सीईओ बनना, नॉट अ जोक यार, कम ऑन, वी आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। सोचिए इस बारे में। मेरे जिम में एक कहावत है जिसको मैं बिलीव करता हूं, विच मोटिवेट्स मी ऑलवेज, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू द जिम एंड आई जस्ट सी वन कोट इज देयर, डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वॉन्ट टू बी, एंड दैट इज माई मोटिवेशन। ये मत सोचिए आप कहां है, सोचिए आपको जाना कहां है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे मैं कहां हूं तो आप सच में कुछ भी नहीं, और आप कहीं भी नहीं, आपकी औकात ही नहीं आज, बट डज नॉट मीन हम लोग कुछ नहीं बन पाएंगे। आप तो आज तो कुछ ही नहीं, इसका मतलब कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, सब कुछ बनेगा, आप ही बनेंगे, आप ऐसे कोई सुंदर पिछाई बनेगा। थिंक इन दोज डायरेक्शंस, कभी भी ये मत देखना कि आज मैं कहां हूं, 10 साल पहले मैं भी कुछ नहीं था, तो कहीं से पहले कोई कुछ होता ही नहीं है, और हर बड़े की शुरुआत बहुत छोटे से ही होती है। डोंट थिंक एवर आप कौन हो, कैसे इतना हो जाएगा, क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप सभी को लेने हैं, एक दिन आपका ही सब कुछ होगा। लोगों का दिन आता है, आपका जमाना आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपने निश्चय निर्धार किया सीए करना है, कोई एक दिन अगर आपके जिंदगी में ऐसा आ रहा है जहां पे आप 10 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप सही नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंट लगातार मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, सारा ठोक देंगे। हाँ, अगले 3 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर बस करोड़ पैसा हम भी कमाएंगे, घर वालों को भी देंगे, माहौल बनाएंगे, हमारी तकदीर हमारी मेहनत बदलेगी, समझे आप? सो ऑलवेज इंस्पायर योर सेल्फ। हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दिल मांगे मोर, ऐसा अपने आप को बोलने का रोज, और हर रोज व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड ऑलवेज से यू आर द बेस्ट। हमने अपने आप को खुद को बोला मैं बेस्ट हूं, तो आप बेटर तो बन ही जाओगे। यू शुड ऑलवेज टेल योर सेल्फ आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा मैं नहीं तो कौन बे। आपको ही अपने आप को, भले ही आपको आप कुछ नहीं है, पर रोज अपने आप को बोलने गए आई एम द बेस्ट, फिर हम सुंदर पिचाई बन सकते हैं। ओके, तो झुकेगा नहीं साला। एनीवेज गाइस, आप बताएंगे दोस्तों एसबीयू कॉन्सेप्ट, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज एसबीयू? अरे आपको समझा कि एसबीयू क्या है? एसबीयू आप कॉन्सेप्ट लिखना चालू करेंगे, बताओ एसपीसी में एसबीयू चलेगा ना, उधर एसबीयू चलेगा हल्दीराम में? चलो मान लो एसपीसी एयरलाइन लॉन्च कर रहा है, एसपीसी इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप लॉन्च कर रहा है, एसपीसी अब एयरलाइन बना रहा है,
हाँ, एसपीसी अब अपनी होटल्स बना रहा है, एसपीसी अस्पताल बना रहा है, तो आप बोलेंगे सर आप आपका जो हो गया बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गए, यू नीड एसबीयू। और यार मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया ही नहीं, कोई है यहाँ पे कोल्हापुर से? ये फ्रॉम कोल्हापुर, आप वहां पे रहती हो, इधर से कोई कोल्हापुर? तो मैथी का तुम्हारा, तुम्हारे यहाँ पे एक बंदा बहुत फेमस है, संजय घोड़ावत। संजय घोड़ावत कोल्हापुर, यू नो अबाउट इट, वहां पे है वो वेरी फेमस, उनका नाम है संजय घोड़ावत। एक बार मैं आपको इनकी थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा क्या करता है बंदा, आप अपने आप बोलोगे इनको किसकी जरूरत है। There is a company that exports 250,000 flowers a day worldwide. There is a company that produces edible oils, table salt, savories, mineral water and mosquito repellent. A company that has installed over 165 wind turbines. A company that has marble quarries. A company that builds residential and commercial townships. A company that produces flexible packaging materials. A company that makes fashion and functional fabrics. A company that is the second largest producer of oxalic acid in India. A company that has world-class educational institutions. There is a group that all these companies belong to. We are that group. We are the Sanjay Ghodavat Group. The man behind this wonderful and fast-growing enterprise is a man who has built himself from scratch to a leading entrepreneur. A man who has proved that all that really matters is a spirit of entrepreneurship. A man who transcended his social circumstances with a vision to contribute to society. Sanjay Ghodavat. The man behind the Sanjay Ghodavat Group. Ghodavat Agro. Ghodavat Agro is India's number one greenhouse based flower supply firm. देखो कौन से काम करता है, इन्होंने पहले शुरुआत की थी अपने जीवन की स्टार गुटका से। महाराष्ट्र में एक प्रोडक्ट बिकता है जिसको मावा बोलते हैं, कहीं और जहाँ पे इंडिया में गुटका, यहाँ पे महाराष्ट्र में गुटका बोलते हैं। इनका नाम था स्टार गुटका, जैसा मानिक चंद आता ना RMD, वैसे इनका स्टार। वहां से इन्होंने बहुत पैसा कमाया और वो पैसों का उपयोग देखिए अब क्या क्या बिजनेस करे, जरा देखना चाहिए आपको समझ आएगा इसको SBU की जरूरत। बिकॉज सारे बिजनेस आपस में इतने डाइवर्सिफाइड है, कुछ भी कर रहे हैं। कभी एक स्कूल भी चालू कर दिए, कभी फ्लावर का बिजनेस कर रहे हैं, कभी आपने मार्बल चालू कर दिया, ग्रेनाइट मार्बल, जरा देखिए। इट हैज टेकन ग्रुप जस्ट ओवर अ डेकेड टू स्टैम्प देयर प्रेजेंस इन द इंडियन मार्केट एंड टू गेन अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन की इंटरनेशनल मार्केट्स। Ghodavat कंज्यूमर गुड्स। Ghodavat ग्रुप्स स्टार ब्रांड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स is a significant player in the market today and enjoys tremendous consumer loyalty and preferences. Ghodavat Energy. Ghodavat Energy has a total installed capacity of over 100 megawatt in wind energy and is among the top 10 privately held companies in India. Ghodavat Mining. Ghodavat Star Marble has the largest area in India for quarrying of pristine. क्या संबंध है, बना था क्या गुटका बनाना, क्या ले लिया उसने, ये माइन ले लिया राजस्थान में, वहां से क्या निकलता, मार्बल निकलता है। यानी कि आपके प्रोडक्ट इतने डाइवर्सिफाइड है आपस में कोई, तो आपको ऐसी जगह पे SBU बनाना पड़ेंगे, आपको सबका SKU अलग रखना पड़ेगा, आपको उसकी बैलेंस शीट अलग बनाना पड़ेगी, हर एक प्रोडक्ट को अपना अलग, ये हर एक चीज प्रॉफिट सेंटर बनेगी। अच्छा बताओ एक सवाल आपसे, सिगरेट में गोल्ड फ्लेक आपके पास है, मॉलबोरो आपके पास है, ब्रिस्टल आपके पास है, तीनों का मिला के SBU है या तीनों अपने अपने अलग अलग SBU? तीनों का मिला के, आर यू श्योर?
सारे रिलेटेड प्रोडक्ट विल फॉल अंडर वन एसबीयू। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि कल्चर के टाटा मोटर सब एसबीयू है, तो एक काम करो टाटा पंच को अलग एसबीयू बना दो, एक काम करो टाटा नेक्सॉन को अलग बना दो। ऐसा नहीं होता है, सारी कार एक एसबीयू बनेगी, वरना तो कंपनी में लाखों एसबीयू बन जाएगी। जहां पर रिलेटेड सारी सिगरेट एक एसबीयू, सारी कार एक एसबीयू, लाइक दैट। Makhrana Marble in Rajasthan with a current production of 1 million tons per annum. Koravat Realty. Koravat Realty is a leading developer and promoter of residential and commercial properties. Star Flexipack. Star Flexipack is an ultra modern manufacturing facility with the best in class technology for producing packaging materials. Koravat Textiles. Koravat Textiles is a समझ गया हो गया ये एसबीयू की जरूरत, समझ गया ना एसबीयू क्या है? अभी ऑल अंडरस्टूड है इसको एसबीयू की जरूरत क्यों है? देखो अभी कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम इसको पढ़ लेते हैं फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई लेक्चर आपका है, कोई लेक्चर नहीं आपका, राइट? तो आओ चलो बच्चों पढ़ेंगे, मैं आपको एसबीयू कॉन्सेप्ट अब रीड करा देता हूं। एसबीयू ये आपकी किताब में लिखा हुआ एसबीयू, देख रहे हो कितने पेजेस का एसबीयू, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, ये सब एसबीयू लिखा हुआ। कैन यू प्लीज राइट डाउन गाइस अबाउट एसबीयू नाउ, है ना? लिखना चालू करेगा। आज लॉ का लेक्चर भी नहीं है इसके बाद, कल मैम ने अनाउंस किया था ना आज नहीं है, सो आज लॉ का लेक्चर नहीं है। और आई थिंक आप टैक्स ऑलरेडी, तो इसके बाद मैं छुट्टी, हे आज एंजॉय, थैंक यू सो मच अनिकेत। ओके आप सभी लिख लेंगे एसबीयू, एग्जाम्पल्स आर, राइट डाउन गाइस एग्जाम्पल, कौन से लिए थे लिखो, अल्फाबेट, अल्फाबेट के बताइए, अल्फाबेट के उसमें गूगल है एक, उनके उसमें कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल, और बोलो कौन सा, गूगल फाइबर, गूगल कैपिटल, गूगल फाइबर, गूगल कैपिटल, गूगल एक्स, ओके डन। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगा आईटीसी, आईटीसी के एसबीयू बताओ, सिगारेट्स, नहीं नहीं सनफिस्ट नाम का नहीं, एफएमसीजी पूरा मिला, एफएमसीजी, होटल्स, सिगारेट्स, फिर होटल्स, हाँ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, और लिखो तीसरा टाटा, टाटा के लिख दो, अब चार पांच तो आपको आ ही जाएगी टाटा की, टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा कौन सा, ताज होटल्स, टाटा टीसीएस, टाइटन एक्सेट्रा। आप बताओगे आपको क्या समझा एसबीओ कॉन्सेप्ट में? एसपीसी को जरूरत है? हल्दीराम को जरूरत है? जरा लिखो, एसबीयू इज यूजफुल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इन, SBU is useful when organization is into बेटा मनी मितांश जैन, अब सुंदर पिचाई जो है ना वो अल्फाबेट के सीईओ बना दिया उनको, ठीक है? क्लास का फाइनल टाइम कब डिसाइड होगा? कौन सा फाइनल टाइम? यही तो फाइनल टाइम है, अब क्या चाहिए तुझे और? बेसिकली प्रोडक्ट का नहीं बनता इंडस्ट्री का, ठीक है? ओके सही बोला है आपने मयंक साहू। ओके अब मैं क्या बोल रहा था आपको,
where organization has organization is into diversified products, diversified businesses, products, diversified products, diversified businesses, which can't be sold out under one roof. Which can't be sold out under one roof. Hello? Then we require, then we need to have SBUs. रिलायंस और अडानी के भी बहुत एस बी यू है. हाँ बेटा, उनके भी बहुत है, पर अब हर बार मैं रिलायंस का एग्जाम्पल हूँ तो आपको लगेगा वही एग्जाम्पल आ रहा है. तो आपने सही बोला है, अडानी के भी हो गए एस बी यू, रिलायंस के भी. अब बताओ हैविंग क्या, एस बी बोलते हैं, और हैविंग क्या, हैविंग बोलो क्या, एस बी यू में क्या क्या होता है, हैविंग क्या होता है इनका, हैविंग डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स, उनकी कॉम्पिटिटर्स हैविंग डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स. किसके डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एस बी यू के, कॉमा डिफरेंट पी एंड एल, डिफरेंट पी एन एल, आगे और बोलो डिफरेंट बैलेंस शीट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कॉमा गोल्स, कॉमा ऑब्जेक्टिव्स, विजन, स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सीईओस, सब कुछ अलग है इनका. ब्रांड भले ही ऊपर टाटा का दे रहा है पर अंदर सब अलग अलग लोग हैं. ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई शख्स वाला कोई सो. हाउएवर कंपनीज लाइक हल्दीराम, एसपीसी, हल्दीराम का एसपीसी बोलो क्या जरूरत है क्या नहीं है. एसपीसी आर इनटू द सिमिलर कैटेगरी ऑफ बिजनेस, आर इनटू हल्दीराम और क्या बोलेंगे आप, अरे बोलो ना हल्दीराम और क्या, एसपीसी. इधर एक बार देख लो, मैं स्क्रीन पे एक कंपनी दिखा रहा हूं. क्या है कंपनी है, टाइप क्या है इसका, ये जो कंपनी है ना, मैं आपको एक दिखा रहा था, इधर देखो, इधर देखो, जनरल मोटर. क्या कंपनी का टाइप है, क्या करती है ये, इंडस्ट्री कौन सा है इसका, एप्पल का इंडस्ट्री कौन सा है. आपको लगता नहीं पूरा ऑनलाइन है ऐसा कुछ, मतलब आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है. एप्पल जो कंपनी है, कंफ्यूजन हटाना, तो ये जनरल मोटर बहुत बड़ी, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी, इसकी क्या बोलते हैं, कार्स बनाती है, जनरल मोटर्स. आपने कभी नाम सुने होंगे जनरल मोटर्स के, जनरल मोटर के कभी शेवरले सुना, शेवरले ये ब्रांड, ये नाम सुना कभी शेवरले. जनरल मोटर बहुत बड़ा कार का कंपनी है और उनका कार, उनका बिजनेस सिर्फ ओनली कार बनाना है. हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, तो जो कंपनी बड़ी होगी वो एसबीओ की जरूरी नहीं है. संजय गोड़ावत और मे बी यू नो आईटीसी बहुत छोटे कंपनी है जनरल मोटर के सामने, फिर भी उनका एसबीओ, बिकॉज उनका डाइवर्सिफाइड काम है. तो बड़ी होंगी मतलब एसबीओ होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. जनरल मोटर तो बहुत बड़ा है फिर भी एसबीओ है क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज उनका काम सिर्फ वो कार, सी कार, कार 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 सिर्फ कार ही बनाते और कुछ बनाते ही नहीं. आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है. ओके, हाउएवर आप क्या लेते, हल्दीराम, एसपीसी, जनरल मोटर्स, जनरल मोटर और बोलो क्या, जनरल मोटर क्या बोलेंगे आप आगे, आर इन टू द किस में, आर इन टू द, आर इन टू द, आर इन टू द सेम बिजनेस, आर इन टू द सेम बिजनेस, दैट्स वाई दे डोंट रिक्वायर, दे डोंट रिक्वायर वॉट, SBU. They don't require SBUs. समझ आया आपको कुछ, एवरीबडी गॉट इट, इसको देख लेना पहले. मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहां से सिर्फ रीड आउट करा रहा हूं, ध्यान से देखिए. आप जरा लिखो वहां पे थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SBU. लास्ट के दो तीन मिनट पढ़ते, वैसे भी आपको इस टाइम में कोई क्लास नहीं है. सो देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SBU, बोलो कौन से, एक बार स्क्रीन पे देखिए, सबके कॉम्पिटिटर्स एक होंगे अलग होंगे, लिखो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स. एसबीयू का तभी कहा जाता है जबकि कॉम्पिटिटर सबके अलग अलग होते हैं.
आपको ऐसा क्यों लगा? कौन सा एग्जाम्पल में लगा कि इसके कॉम्प्यूटर अलग है? जैसे एग्जाम्पल आईटीसी का हमने देखा, आईटीसी के एफएमसीजी के कॉम्प्यूटर्स कौन? पतंजलि हिंदुस्तान का. आईटीसी के होटल्स के कॉम्प्यूटर्स कौन? तो यानी कि अलग अलग एसबीयू के कॉम्प्यूटर्स अलग अलग होते हैं. लिखो हैविंग सेपरेट कॉम्प्यूटर्स. एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल आईटीसी होटल्स एंड आईटीसी एफएमसीजी. कॉम्प्यूटर्स उनके अलग अलग, पूरी तरह से अलग है. ओके okay? उसके बाद में इन्होंने लिखा है, सुनो इधर एक बार. वो कहते हैं कि उनके कॉम्प्यूटर्स अलग होते हैं. वो ये भी कहते हैं कि उनके जो मैनेजर रहते हैं वो भी अलग होते हैं. यानी हर एक बच्चा कोई अलग मैनेजर संभाल रहा है. इज दैट ओके? क्या एक ही बंदा संभालेगा? और क्यों नहीं संभाल सकता? इतने सबका नॉलेज थोड़ी ना एक बंदे को आएगा. लिखो डिफरेंट मैनेजर्स. इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबके मैनेजर्स अलग अलग होते हैं. डिफरेंट मैनेजर्स. एंड पॉइंट नंबर थ्री, आप लिखेंगे रिलेटेड बिजनेसेस. रिलेटेड बिजनेस विल फॉल अंडर वन एसबीयू. क्या बोलने का मतलब है इसका? आपको ऐसा कौन से एग्जांपल में महसूस हुआ? नहीं, अगर मान लो मैं आईटीसी हूं तो सिगरेट, सारी सिगरेट का अलग एसबीयू नहीं बनेगा? आप ऐसे एसबीयू बनाने मत निकलो. इसका भी एसबीयू, फिर तो सब एसबीयू, बहुत एसबीयू बने, लाखों एसबीयू बन जाएगा कंपनी के अंदर. देखो भैया, अगर सारे जैसे मान लो 15-20 सिगरेट से, वो सब सिगरेट का स्ट्रेटेजी तो एक जैसे ही होगा, तो उसको अलग अलग एसबीयू थोड़ी ना बनाएंगे. देखो एग्जाम्पल ब्रिस्टॉल, गोल्ड फ्लैक, मॉलबोरो, क्लासिक. घर वालों से दूर ही रखना किताब. गलती से देख लेंगे, मतलब क्या पढ़ा रहे सर. मैं तो बोल दूंगा, मैंने नहीं बोला था, आपके बच्चे ने घर से होमवर्क पे लाया था. लेकिन आर कमिंग अंडर वन एसबीयू. ये सब एक ही एसबीयू में आते हैं. क्या आप बता सकते हैं दोस्तों, एसबीयू के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? नंबर वन, सबके कॉम्पिटिटर्स, सबके मैनेजर, और सारे रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, इट विल फॉल अंडर वन एसबीयू. एसपीसी को एसबीयू की जरूरत है? हल्दीराम को जरूरत है? जनरल मोटर को जरूरत है? आईटीसी को? बिकॉज इनके प्रोडक्ट. टाटा को? है ना. आज घर पर जाना और तीन कंपनी के नाम ढूंढ के लाना जो आपको लगता है एसबीयू की जरूरत इन कंपनीज को है. समझ आ रहा है? आज के लिए काफी है. आई विल सी यू देन लेटर ऑन. थैंक यू सो मच. आप सभी यहां पे आए, शुक्रिया. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. बड़ा बंद ही कर रहा हूं, आप ऐसा मत करिए. ऐसे भी क्या नाराज की. दोस्तों हम फिर से मिलेंगे कल. जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे, बेटा होल्डिंग और सब्सिडी जो है ना, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है. तुम बता नहीं क्यों उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, राइट? कॉन्सेप्ट ही अलग है दोनों. एसबीयू के लिए पूरी कंपनी जरूरी नहीं थी होल्डिंग और वो. होल्डिंग और सब्सिडी ये अलग कॉन्सेप्ट हो गए. एसबीयू के लिए जरूरी नहीं कि होल्डिंग सब्सिडी हो. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप यू आर हैविंग गुड टाइम इन एसएम एज वेल. ओके, फिर मिलेंगे कल. आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर, बाय बाय. कल आपको ठीक 8 बजे आना है और बस अपने आप लेक्चर चलते रहेंगे. आप मस्त उसके मजे उठा. कौन सा लेक्चर कब होगा आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? सब होते रहेगा टाइम पे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.